शो पीएम नरेंद्र मोदी का, कैसे देखते हैं आप? मैं समझता हूं कि इससे बड़ा मेगा शो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। जिस प्रकार से जनता का सैलाब और जो समर्पण और इमोशनल समर्पण, डेडिकेशन, आंखों में आंसू, पुष्प वर्षा, बैल्कनी से महिलाएं, महिलाओं की संख्या अत्यधिक थी। मैं पिछले बार 2019 में भी आया था, मैंने इतनी जनसंख्या नहीं देखी थी। तो मैं समझता हूँ बनारस के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का जो ग्राफ है वो त्वरित गति से बढ़ा है। 2014 में 3 लाख के अंतर से जीते थे, 2019 में 5 लाख के अंतर से जीते, और अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर इस बार वो 10 लाख की वोट से जीत जाएं, क्योंकि उनके सामने मैं समझता हूँ कोई विपक्ष ठहर नहीं पाता। और जनता भी देख रही है कि अगर इतने बड़े देश का 140 करोड़ का संचालन करना चाहिए, एक ऐसा नेतृत्व की आवश्यकता है जो कि परिपक्व हो, सक्षम हो, ईमानदार हो, राष्ट्रीयता हो, 317 देख लीजिए, 3 ट्रिपल तलाक देख लीजिए, तमाम ऐसे बुनियादी काम किए हैं मोदी सरकार ने 10 साल में, जिससे देश जो है आज तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है। तो इससे बड़ा ये जो तमाम घटक दल आपके आए थे, इसकी क्या रणनीति थी? देखिए, घटक दल जो है हमारे एनडीए के हिस्सा हैं, और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जो है, हम ऐसा चाहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। और देखिए, 2019 में 303 आए थे, हमारी संख्या बल थी और अभी भी है, लेकिन हम सबको चाहते हैं कि जो हमारे साथ हमारे विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं वो हमारे साथ आकर के देश की प्रगति में हाथ बटाएं। तो ये कोई हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है कि तमाम नुमाइंदगी, चाहे वो किसी भी उसकी हो, हमारे साथ मिल करके हाथ बढ़ाइए, ताकि कोई विपक्ष ना हो इस प्रकार का। जो अच्छी नीतियाँ हैं उनका भी विपक्ष करते हैं लोग। सर, विपक्ष का आरोप भी तो यही है कि आप विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। हम नहीं करना चाहते, वो खुद खत्म करना चाहते हैं, वो स्वयंभू हैं, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से अपने गोल किए हैं, अभी आप देखिए, इससे बड़ा राजनीतिक उपहास मैंने जीवन में नहीं सुना होगा कि 5 प्रधानमंत्री बनेंगे, एक एक साल के लिए एक प्रधानमंत्री बनेगा, वो कह रहे हैं संविधान बदल जाएगा। अरे भाई, संविधान अगर मोदी जी को बदलना होता तो उनके पास तो संख्या बल थी, वो अभी भी बदल सकते थे, लेकिन संविधान को तो नहीं बदला, संविधान को उन्होंने कुचला है। देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गई कि ये एडिक्टेड थे एंटाइटलमेंट के, कि जो चाहे वो करें, किंग इज नेवर रॉन्ग, ये किंग वाली कंडीशन में थे कि हम तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। अब इनका पर्दाफाश हो गया, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, वो भी ईमानदारी के माध्यम से, वो भी अपनी लोकप्रियता माध्यम से, ना उनको विरासत भी मिली। अब इनके पर्दा खुलने लगे, इनका भ्रष्टाचार की दुकान खुल रही है, अब ये डर लग रहा है कहीं अंदर ना चले जाएं, क्योंकि चोरी सबने की है, वो बेल पे छूटे हुए हैं। केजरीवाल का आशरा आप देख रहे हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बड़ी मुश्किल से बेल दे दी, पर उनके दो साथी जो है मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, वो जेल के पीछे हैं, कुछ तो गड़बड़ किया होगा इन लोगों ने। और मेरा आखिरी सवाल ये है, जो आज मेगा शो हुआ है, इसका 2024 के चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? मैं ये समझता हूँ कि 2024 का चुनाव जो है वो इस मेगा शो से मत जोड़िए, क्योंकि मोदी जी का लगातार जो कार्यकाल में उनकी उपलब्धियाँ हैं, जो उन्होंने काम किया है देशवासियों के लिए, जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर संभाला है, आप बताइए, कोई रॉयट्स नहीं होते, कोई बम नहीं फटता, पहले कितने बम फटते थे, तो शांति जो इन्होंने स्थापित करी है, विकास तो चल ही रहा है, वी आर 5th लार्जेस्ट इकॉनमी, सून विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट, तो जो आर्थिक स्थिति बन रही है वो तो बनी रही है। और देखिए, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के बहुत बात होती है, देखिए अपरोक्ष एम्प्लॉयमेंट भी होता है, और जब प्रोविडेंट फंड के आप नंबर उठा के देखिए तो उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। तो ये जो लांछन लगाते हैं, अनलकीली अब हमारे NSSO के जो डेटा हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, वो इतने रोबस्ट नहीं हैं, उनको होने की ज़रूरत है। मुद्रा योजना है, महिलाओं को घर में बैठ करके रोजगार मिल रहा है, पहले 1 लाख भेजते थे, 1,100 भेजते थे, 15 रुपये मिलते थे लाभार्थी को, आज पूरे पूरे उनके अकाउंट में जाते हैं। जनधन योजना देख लीजिए, आयुष्मान भारत देख लीजिए, खाने के लिए 80 करोड़ जनता के घर में अनाज जा रहा है, किसी को भी बीमारी हो जाए, बुढ़े को भी, अब तो 70 साल की उम्र के ऊपर भी उनको दे दिया है। तो और कितना मोदी जी काम करेंगे ये बताइए, कौन सा ऐसा ईमानदार प्रधानमंत्री आपको मिलने वाला है? बात करने के लिए बहुत ही शुक्रिया। ये शब्द जब आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस